पति पत्नी एक दिल छू लेने वाली कहानी। कहते हैं लोग अपने हों या पराए हैं, इसकी पहचान सिर्फ बुरे समय में ही होती है। ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी कुछ ऐसी ही है। एक जवान लड़का और लड़की होते हैं, प्यार में पड़ते हैं, बाद में उनकी शादी हो जाती है। इस लव स्टोरी में दोनों की समाज या उसके परिवार के द्वारा कोई परीक्षा नहीं ली जाती या दोनों का कोई विरोध नहीं किया गया। तो क्या ये हैप्पी लव स्टोरी थी? हम पहले इस कहानी को पूरी तरह से जान लेते हैं, बाद में आप तय करें। लड़का बहुत ही गरीब होता है, उसके पास कोई अच्छी नौकरी भी नहीं थी। लड़की भी कोई अमीर खानदान से नहीं थी, फिर भी लड़के से थोड़ी सी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उसके परिवार वाले मध्यम वर्गीय थे। शादी के कुछ महीने तो बड़े आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठिन परिस्थितियां होती जा रही हैं। पति बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करने लायक पैसे कमा पाता था। पत्नी भी परिस्थितियों को अच्छे से समझती थी, इसलिए वह कोई ऐसी फरमाइश बिल्कुल नहीं करती थी जिससे उनका खर्चा बढ़े। एक दिन सुबह सुबह पत्नी ने अपने पति से कहा, देखिए मेरी हेयर क्लिप आज टूट गई है, अगर हो सके तो आप नई हेयर क्लिप खरीद कर ला दीजिएगा, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं और बिना क्लिप के उन्हें संभालना काफ़ी कठिन हो जाता है। पति पहले तो चंद सेकंड तक कुछ नहीं बोल पाया, फिर उसने पत्नी से कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम फिलहाल हमारी जो परिस्थिति है उससे से भली भांति परिचित हो। देखो मेरे हाथ की घड़ी कई महीनों से बंद पड़ी है, मैं उसे भी ठीक नहीं करवा पा रहा हूँ। अब तुम सोचो मैं तुम्हारे लिए नई क्लिप कैसे खरीदूँगा। पति अपने काम के लिए निकल गया, लेकिन पूरा दिन वह यही सोचता रहा कि उसकी पत्नी ने पहली बार उससे कुछ मांगा है और ऐसी वस्तु मांगी है जो उसे खुद ही अपनी पत्नी में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी बालों का रखरखाव रखने की वस्तु। पति को अपनी पत्नी के सुंदर घने लंबे बाल बहुत पसंद है और वह उसे क्लिप ला कर देने की बजाय उसे अपनी मजबूरियाँ गिनाया। दूसरी तरफ पत्नी को भी काफ़ी अफसोस था। वह सोचने लगी कि वह तो अच्छे से जानती थी कि उसका पति कितनी कठिनाई से घर चला पाता है, खाने पीने के लिए पैसे कमा पा रहा है। उसको नई क्लिप के लिए उससे नहीं कहना चाहिए था, उसको कितना दुख हुआ होगा। शाम को पति घर लौटा तो उसके हाथ में एक नई क्लिप थी। उसने खुशी से अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। जैसे ही पत्नी उसके सामने आई तो उसे पत्नी में कुछ बदलाव नजर आया। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि उसकी पत्नी के लंबे लंबे घने बाल अब छोटे हो चुके थे। पति ने बालों में लगाने वाली क्लिप अपनी पत्नी के हाथों में देते हुए पूछा, तुमने अपने बालों के साथ यह क्या कर लिया? मैं तुम्हारे लिए एक नई हेयर क्लिप लेकर आया हूँ। पत्नी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई नई घड़ी पति के हाथ में पहनाते हुए कहा कि अब मुझे इस क्लिप की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लंबे बाल काट कर उन्हें बेच दिया है और उनसे जो पैसे आए उससे मैंने आपके लिए घड़ी खरीद ली है। पत्नी की बात सुनकर पति की आंखों में आंसू निकल आए। पत्नी ने पति के आंसू पोंछते हुए कहा कि आप यह क्लिप के लिए पैसे कहाँ से लाए? पति ने कहा कि मेरी जो बंद घड़ी थी उसे तो मैं रिपेयर करवा नहीं पा रहा था और तुम्हारे लिए मुझे क्लिप भी लेनी थी, तो मैंने उस बंद घड़ी को कुछ रुपयों में एक घड़ी वाले को बेच दिया और उन पैसों से तुम्हारे लिए नई क्लिप खरीद लाया। इस बार पत्नी की आंखें छलक आई, क्योंकि वह जानती थी उसका पति बंद घड़ी को भी इसलिए पहने रखता था क्योंकि वह घड़ी उसे बहुत ज़्यादा प्यारी थी और इतनी प्यारी चीज़ उसने अपनी पत्नी की क्लिप के लिए बेच दी। दोस्तों मैं जानती हूँ यह कहानी आपके दिल को ज़रूर छू गई होगी, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी आंखें भी नम हो गई होंगी। दोस्तों मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको जीवन में सब कुछ मिले, और सबसे ज़्यादा यह है कि आपको इस कहानी के जैसे
जीवन साथी पति पत्नी मिले। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि पसंद आई तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।